हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा, जिसकी ज़िंदगी में रहता नहीं है शांति तनीषा। तो फ्रेंड्स, आई तो थी अपने गांव से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को लेके, बट अभी फ्रेंड्स अभी मेरे से हो नहीं पा रहा है। मतलब कि तैयारी करती हूँ, एग्ज़ाम भी देती हूँ, बस थोड़े से छूट जाती हूँ। तो मैं क्या करूँ फ्रेंड्स? तो अभी मैंने सोचा है कि कुछ नया स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि बहन आई तो थी तैयारी करने, तो ये क्या कर रही हो तुम? क्या करे भाई, पेट का सवाल है। तो चलिए हम लोग इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं। मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है सब कुछ आपको अपडेट देते रहूँगी। आज से हम लोग एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो आपका स्वागत है मनीषा रानी ब्लॉग्स में। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा, मेरे चैनल को अच्छे से सपोर्ट करिएगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यही है जहां हम रहते हैं। कैसा जगह है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब दिन की शुरुआत करते हैं एक कप कॉफ़ी के साथ। तो फाइनली कॉफ़ी बन गया है, अब मैं कॉफ़ी पीने वाली हूँ। बहुत टेस्टी बनाया हमेशा की तरह। सो अब मैं कॉफ़ी पी के अपनी स्टडी को स्टार्ट करूँगी। अगर आप सभी को मेरी व्लॉगिंग अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना। सो नाउ इट्स टाइम टू स्टडी। मेरी पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी, तब तक मम्मी ले आई चने, क्योंकि एनर्जी देता है ना, बहुत ज़रूरी होता है हमारी सेहत के लिए भी। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी पूजा करने, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमारी मेंटल पीस के लिए। इससे हमारा मेडिटेशन भी हो जाता है। सो फाइनली लगा दिया है भगवान जी को भोग, अब मैं करूँगी आरती। सो अपनी पूजा ख़त्म करने के बाद मैं रेडी होके निकलती हूँ अपने ऑफिस के लिए। सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और अब मैं वापस आ जाती हूँ। अरे मेरे हाथ में क्या है, आज मैं क्या लेकर आई हूँ, आप लोग गेस करो। तब तक मैं मम्मी को गेट खोलने बोलती हूँ। फ्रेश होके अब चलती हूँ अपने गार्डन की तरफ। वो भी बेचारे पूरे सूख गए हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उनको भी थोड़ा बहुत खाद पानी देते रहना चाहिए बीच बीच में। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने पाइप सेट कर लिया है, अब इन पौधों को मैं प्यार से पानी पटाऊँगी। बेचारे बहुत ज़्यादा ही सूखे पड़ गए थे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है हमारे यहाँ। आपके यहाँ पे मौसम कैसा है बताओ? सो जब तक मैं पानी पटाती हूँ, मम्मी ले आती है मेरे लिए चाय। और ये डिनर में क्या बन रहा है? अरे ये तो मछली है, किसको किसको पता है कि ये कौन सी मछली है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ इस मछली का नाम। तो अब मम्मी मछली बना रही है, डिनर की तैयारी चल रही है, तब तक मैं अपना स्टडी करने आ जाती हूँ अपने रूम में। तो आज मैं क्या पढ़ने वाली हूँ? सबसे पहले तो मैं अपने मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है मुझे। पढ़ाई ख़त्म करते करते लगती है मुझे जोरों की भूख। तो अब देखते हैं डिनर में, तो मछली बना था, सो यम्मी। मुझे तो ये मछली बहुत पसंद है। आप सभी को देखने में कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और मैं जल्दी जल्दी से सोच रही हूँ कि बहुत सारे मछली खा लूँ। और इतने सारे चावल देख के आप लोग ये मत सोचना कि मैं अकेले इतना खाती हूँ, मम्मी भी मेरे साथ खाने वाली थी, बट वो वीडियो में नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैं अकेले ही जल्दी जल्दी खाए जा रही थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और मज़ा आ गया एकदम से मछली खा के। मुझे नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, और सबसे ज़्यादा फेवरेट तो मेरी ये मछली है। तो आप सभी इस मछली का नाम कमेंट करके जल्दी जल्दी से बताओ, किसको किसको समझ आया।
तो फ्रेंड्स, मेरा डिनर तो कंप्लीट हो गया। मुझे तो फिश करी बहुत पसंद आई। आप सभी को मेरी ब्लॉगिंग कैसी लगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, तो आप सब इसको प्यार और सपोर्ट देना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो भी अच्छी बात है, नहीं तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना ये सोच के कि मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग था। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी फर्स्ट ब्लॉग को शेयर करना। मिलती हूँ आपसे फिर से एक नए दिन की शुरुआत के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।